अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे जी। तो आज मैं बहुत मज़े की मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। ऑनियंस को फ्राई कर लेना है अपने ऑयल में, और जो मटन है ना उसको आप थोड़ा सा बॉईल कर लीजिएगा पहले से, ताकि ज़्यादा जो है ना पकाने में टाइम ना लगे। क्विक और ईजी रेसिपी है ये, ठीक है। आपने ऑनियंस को फ्राई कर लेना है और मटन की यहनी बना लेनी है आपने, उसमें दालचीनी, इलायची और सॉल्ट ऐड करके, ठीक है जी। और ये देखें जी, अच्छी तरह आपने ब्राउन कर लेना है सब ऑनियंस को, और फिर इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी मैं, क्योंकि ऑनियंस काफ़ी ज़्यादा थे तो इनको मैंने सोचा पहले ही अच्छी तरह गला लिया जाए, क्योंकि मटन तो ऑलरेडी गल चुका होगा। तो फिर इसको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए पानी में बॉईल करना ज़रूरी है। ये जो है ना मैंने टोमेटो पेस्ट ऐड कर दिया था, ताकि जो है ना क्विक और इजी रेसिपी जो है ना बने आपकी, ज़्यादा मेहनत मशक्क़त ना करनी पड़े आपको चमचा हिलाने और उसके जो है ना स्किन उतारने में टोमेटो वगैरह की, ठीक है जी। और अच्छी तरह से आपने भून लेना है इन दोनों को। और ये देखें जी, अभी जो है ना मसाले का कलर चेंज हो गया, रेड होना शुरू हो गया। जब ये रेड रेड हो जाएगा तो फिर आपने इसमें जो है ना गला हुआ मटन ऐड कर देना। और ये रहा जी मटन, इसको मैंने 90% बॉईल किया था, 10% जब इसको इसकी भुनाई करेंगे ना तब जो है ना इसको पकाएंगे जी। तो ये सारा मटन मैंने ऐड कर दिया इसमें। अभी इसमें होममेड जो है ना गरम मसाला ऐड कीजिएगा काइंडली। ड्राई कोरिएंडर है, ब्लैक पेपर है, और जी ये ज़ीरा है, और फिर ये टर्मरिक पाउडर ऐड किया मैंने इसमें, क्रश्ड चिली ऐड की मैंने इसमें, रेड चिली का यूज़ नहीं किया। और ये दालचीनी चली गई है जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, बहुत ही मज़े की जो है ना ये मटन कढ़ाई बनी थी, और इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने। और अच्छी तरह से इसको भून लेना है, थोड़ा सा यहनी का पानी ऐड कर लीजिएगा आप, और इसको भूनते जाइएगा ऐसा ऐसा से। और एंड पे जो है ना मैंने ग्रीन चिली ऐड की, एंड पे ग्रीन चिली ऐड करने से जो है ना मटन का टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा और बहुत मज़े का टेस्ट होगा इसका, ठीक है जी। और लेमन जूस ऐड कर देना है, और एंड पे गार्निशिंग के लिए जो है ना आपने ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर देना है, और बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई रेडी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई।